तो दोस्तों अभी देखिए नीचे का और ऊपर का पहन लिए हैं। ये हमारी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा रिस्क होने वाला है। दादा हमको एक लड़की पसंद आ गई, हम शादी करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज दोस्तों सुबह से इतना भयानक बारिश हुआ है। अभी आधा घंटा पहले तक सुबह से इतना तेज बारिश हुआ दोस्तों कि आज हम जिम तक भी नहीं जा पाए। बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मतलब जिम नहीं जा पाए। कोशिश कर रहे थे कि डेली रेगुलर हम जिम जाए, एक्सरसाइज करें, पूरा व्यायाम करें, एकदम मस्त बॉडी को फिट कर सके, लेकिन इस तरह बारिश होगा तो फिर समझ सकते हो। देख लीजिए बहुत भयानक बारिश हुआ है और अभी भी बूंदाबांदी हो रहा है एकदम भयानक। और पूरा खेत देखिए एकदम डामाडम भर गया है और इतना तेज बारिश हो रहा था थोड़ी देर पहले, इतना तेज बारिश हो रहा था ना, फिर से हमारे घर में पानी भर गया दोस्तों। समझ सकते हो आप लोग कितना तेज बारिश हुआ था। इधर तो छोटा भाई सोया हुआ है, आइए, अभी बहुत ठंड है ना इसलिए सोया है। इधर अरुषी, गुड मॉर्निंग लाला, अकृति गुड मॉर्निंग। और ये देखिए कुछ इस तरह से जुगाड़ करके पानी से बचाव किया जाता है, इसको भी नीचे कर दिया जाता है जब बारिश होता है दोस्तों। और ये देखिए इधर चटाई लगा दिया जाता है ताकि बारिश से बचा जा सके। सोने में प्रॉब्लम होता है ना, थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मतलब वो लगा दिया जाता है ताकि दो चार लोग इधर सो जाए आराम से। और इधर हमारी गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर ये देखिए दीदी खाना बना रही है, गुड मॉर्निंग बोलते दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही देखिए दोस्तों, देखिए पूरा पानी इधर भरा था, पूरा डमाडम भरा था, लेकिन सुबह से ही दोस्तों अम्मा लग गई थी साफ करने में क्योंकि बारिश बंद हो गया था। तो ये आस लग गया था कि मतलब खाना बन जाएगा आज, मतलब इधर पानी का जो है ना, मतलब बरसात कम हो गया था तो अम्मा सोची कि अभी बरसात कम हो गया तो लाओ पूरा पानी सफा देते हैं ताकि खाना वाना बन जाए मस्त एकदम, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है दोस्तों इस समय। तो इधर पूरा पूरा डमाडम पानी भरा था इधर पूरा एकदम, लेकिन साफ सफाई वगैरह वगैरह सब कुछ किया गया है तब जाके दोस्तों। अभी देखिए एकदम मस्त, अभी अच्छे तरीके से खाना बनना शुरू हो चुका है। ये देखिए दोस्तों क्या हो गया। अरे ठीक है यार यार यार, आराम से पूरा घर में धस रहा। देखिए क्या हो रहा है, इधर पूरा पानी भर गया था घर में, अम्मा सफाई थी लेकिन पूरा चारपाई पूरा घुस गया अंदर। वो देखिए दोस्तों पूरा चारपाई घुस गया था जमीन के अंदर। बाप रे बाप, बड़ा दिक्कत हो रहा है। अरे ठीक, अरे पैर ना धस जाए। बाप रे, पूरा जमीन उमीन देखिए दोस्तों कैसा हो गया। पूरा घर के अंदर ही, हमारा मेन घर है ये देखिए, हमारा जो मेन घर है उस घर के अंदर ऐसा हो रहा है। दोस्तों अभी जिम आए हुए हैं और अभी सभी एक्सरसाइजेज को एकदम बढ़िया कर चुके हैं। और वो देखिए अभी फिर से हम जिम के बाहर आए हुए हैं, वो देखिए वो जिम रहा। और इधर वो विजय भाई देखिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। और अभी थोड़ा बहुत थकान हो रहा है हल्का फुल्का, काफ़ी ज़्यादा इस समय मतलब दिक्कत हो रहा है क्योंकि दोस्तों बरसात के मौसम में जब एक दिन नहीं आ पाते हैं ना तो अगले दिन जब आते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। मतलब एक होता ना रेगुलरिटी बने रखना, उसका बात अलग है, तो वही हो रहा है। अभी हम सोच रहे हैं कि रेनकोट ले लेंगे ताकि बारिश में भी आराम से जिम आ सके, मिस ना हो। बड़ा बुरा लगता है जब जिम एक दिन आगे कर देते हैं, मिस कर देते हैं। बाकी अभी यहाँ पर एकदम ठंड का आनंद उठा रहे हैं, बहुत गजब यहाँ पर ठंड महसूस होता है। जिम में सभी एक्सरसाइज को करने के बाद ना यहाँ पर हमेशा आते हैं और पूरा दिल को एकदम अलग ही सुकून मिल जाता है। और ठीक है दोस्तों अभी चलिए सीधा घर चलते हैं। तो दोस्तों अभी घर पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पर अपना बाइक खड़ा कर दिए हैं। और आकृति को देखिए, है कृति मुँह दिखाओ तो जरा, इसका मुँह देखिए कैसा हो गया है। ये का की लाला, पूरा काला काला का पोती है। देखिए क्या दिख रही है कीर्ति, का पोती है। देखिए इधर 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 सब का पोती है। लगता है इसको पता ही नहीं है, कोई सोते वक्त इसको ऐसे से लगा दिया होगा मजाक में। और दोस्तों इस समय बारिश का मौसम है तो कहीं पर भी आने जाने में बहुत सारा दिक्कत होता है। घर के आसपास कहीं पर भी जाना रहता है तो अपने छतरी से चले जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा दूर जाना रहता है तो बड़ा दिक्कत होता है दोस्तों। हम इसलिए दोस्तों सोच रहे हैं ना कि एक रेनकोट ले लें जो कि बारिश से आराम से एकदम मस्त बचा सकता है। और सुबह में ही लेने का प्लान था लेकिन दुकान दोस्तों सुबह में खुला नहीं था ना, तो अभी निकलने वाले हैं दोस्तों और साथ में विजय भाई को भी बुला लेते हैं, दोनों हम लोग निकल लेते हैं रेनकोट लेने के लिए। तो ठीक है दोस्तों अभी विजय भाई को बुला के चल रहे हैं दोस्तों रेनकोट लेने के लिए।
दोस्तों अभी दुकान पर पहुंच चुके हैं और ये देखिए अभी भैया निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं रेनकोट। एक तो दिखा दिए हैं काले कलर का, ये वाला देखिए, ये वाला दिखाए हैं और भी दिखा रहे हैं भैया। एक तो यहाँ पर रखे हैं। तो दोस्तों भैया काफी सारा दिखाया रेनकोट, उधर देखिए उतना सारा उधर दिखाए हैं, तो यही वाला पसंद आ गया। दो तीन दिखाए तो हम सोचे कि यही वाला ले लेते हैं। ये वाला काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखिए काफी मस्त है, यही वाला ले लेते हैं। कितने में भैया? 695। एकदम पूरा नहीं, कम होगा यार, कुछ कम कर दीजिए। कम करिए। अरे यार गरीब क्या होता है, हमसे इतना बड़ा गरीब है तो क्या होगा। कुछ कर दीजिए और दे दीजिए। ठीक है दोस्तों यही ले लेते हैं। भैया कुछ कम कर देंगे, बता नहीं रहे कितना कम होगा। अरे यार जो उचित रहेगा लगा दें। ठीक है तब यही वाला ले लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों रेनकोट लेकर एकदम पैक करा लिए एकदम मस्त। और ठीक है दोस्तों अभी चलिए सीधा घर चलते हैं। तो दोस्तों अभी घर पहुंच चुके हैं और अभी अपना ये रेनकोट को एक बार पहन के चेक करते हैं और अम्मा को दिखाते हैं कैसा लग रहा है। तो दोस्तों अभी देखिए नीचे का और ऊपर का पहन लिए हैं और कैसा लग रहा है अम्मा? एकदम बढ़िया लग रहा है, लेकिन गर्मी हो रहा है अभी बहुत तेज। अम्मा कह रही अब जिम जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और भी कोई काम रहेगा इधर उधर का, कोई भी काम रहता है, सब्जी वगैरह लाना या फिर कोई भी घर का काम रहता है, वो भी काम में आ जाएगा। मतलब कहीं पर भी जाएंगे बारिश के मौसम में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखिए कितना मस्त लग रहा है, थोड़ा सा ये वैसा लग रहा है झबर झबर। और नीचे से भी पहन सकते हैं इधर से भी, तो ये मस्त लगा मेरे को। ऊपर से भी पहनो नीचे से भी पहनो, एक तरफ गंदा हो जाए तो दूसरे साइड पहन लो, तो बढ़िया लगा एकदम। आप लोग बताइएगा कि ये वाला नया वाला रेनकोट कैसा लग रहा है, बाकी हम कैसे दिख रहे हैं इस रेनकोट में। और दोस्तों बहुत तेज गर्मी हो रहा था, ये देखिए पूरे एकदम पसीना पसीना हो रहा था, इसलिए दोस्तों निकाल कर इसको एकदम मस्त इसमें पैक कर दिए हैं। और ये देखिए टांगने वाला भी है एकदम मस्त। और दोस्तों काफी ज्यादा मजा आ रहा है न्यू बाइक पर इन लोग को घुमाते हुए। तो दोस्तों अभी हम लोग घूम कर पूरा एकदम मस्त घर आ चुके हैं। इधर अरुषि और आकृति बैठे हुए हैं, सलोनी उतर गई है। और दोस्तों अभी नहा धो के थोड़ा फ्रेश हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी का मौसम देखिए, बादल वादल घिरा हुआ है, सूर्यदेव भी निकले हुए हैं और काफ़ी मस्त लग रहा है, एकदम हरियाली भरियाली खेत में दिखाई दे रहा है। और धान का रोपाई भी देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अभी हम अपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिस्क लेने वाले हैं, ये हमारी ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा रिस्क होने वाला है और इसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है, हमको डर लग रहा है। ये चीज़ आप सभी के सामने बोलते हुए, और जिनके सामने ये चीज़ हम बोलेंगे ना, बाप रे बाप, मतलब सोच कर ही डर लग रहा है। आप सभी को अभी हम बताते हैं, अभी मतलब सिलसिला क्या हो रहा है, क्या दिमाग में मेरे चल रहा है। अभी हम अपने पिताजी को डायरेक्ट जा रहे हैं, कह रहे हैं ना पिताजी हमको एक लड़की पसंद आ गई, हम उसे शादी करने जा रहे हैं। अब देखते हैं पिताजी का क्या रिएक्शन आता है। अब भाई बहुत बुरा लगने वाला, मैं सच बता रहा हूँ, इसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है, डर लग रहा है मेरे को। अब चल रहे हैं पिताजी के पास और देखते हैं क्या होता है। डर तो लग रहा है बहुत बुरा, कैसे कहेंगे पिताजी, क्या रिएक्ट करेंगे। चलिए डायरेक्ट कहते हैं और देखते हैं पिताजी क्या कहते हैं। तो दोस्तों इधर देखिए पिताजी काम कर रहे हैं ये सब। इधर छोटा भाई हंस रहा है, मजा ले रहा है, मैंने उसको बता दिया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दादा हमको एक लड़की पसंद आ गई, हम शादी करने जा रहे हैं। कहाँ तक? अपने दादा गुस्सा ही गया, बाप रे बाप, पूरा गुस्सा आ गया दादा। अब बोल रहे हैं अब बंद नहीं होगा, अब बंद नहीं करेंगे बोलना, गलती कर दिया रे, बोलना बंद नहीं करेंगे, पूरी बाप रे धक 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 करो। तो दोस्तों सोचिए, मैंने मजाक मजाक में पिताजी को ये बात कहा था
कि मैं अपने मनपसंद की लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, और पिताजी का जो रिएक्शन था सच बता रहे हैं भाई, मैं एक रियलिटी बता रहे दोस्तों, कैमरे के सामने वो उतना गुस्से से नहीं बोले थे जितना गुस्से से दोस्तों वो कैमरे के पीछे बोले थे उसके पहले, उसके पिछले दिन। ये तो कैमरे के सामने दोस्तों सच्ची बता रहे हैं, उतना मतलब फील से नहीं बोल पाते हैं कैमरे के सामने, थोड़ा बहुत मतलब कैमरे के सामने बोलना थोड़ा आसान नहीं है, पिताजी और अम्मा घर वाले सभी उतना अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, मगर दोस्तों सच बता रहे हैं कैमरे के पीछे जो गुस्सा हुए थे भाई साहब, वो तो कैमरा ऑन था तब जाके ये बात बोले थे हम, वरना इतनी हिम्मत कहाँ से मेरे अंदर है भाई साहब, कभी सोचे भी नहीं थे कि मैं इतना हिम्मत जुटा पाऊंगा अपने पिताजी के सामने ये बात बोलने की। दोस्तों इतना हिम्मत नहीं है, और आप सभी लोगों को हम दिखाए थे मतलब पिछले ब्लॉग में कि आखिर ये शादी की बात क्यों छिड़ गई, मतलब कि शादी इतना जल्दी वगैरह ये सब बातें, तो मतलब यही सोचा आप सभी को एक बार बताते पूरा खुल के, मतलब तो वही शादी की बातें वगैरह चल रही थी तो घर वाले थोड़ा गुस्सा हो गए, तो वही सब बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो अभी कुछ मजबूरियां हैं, बाद में आप सभी को समय समय पर बता देंगे, समझ सकते हैं आप लोग। और अभी तो शादी करने का कोई उम्र ही नहीं है, हाँ वो बात अलग है कि हमारे यहाँ गाँव देहात में 19-20 के साल में लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन अलग थोड़ा सा ना कुछ करना है ना अपने जिंदगी में, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, अपना घर तक नहीं बनवाया है, क्या किया मैंने जिंदगी में, अभी तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट से बहुत कुछ करना है भाई, मेरे को ना अपना घर बनाना पूरा एकदम मस्त घर बनवाना आप सभी के प्यार और सपोर्ट से, तो अभी तो मेरी उम्र ही क्या है 20 साल के आसपास है, तो अभी शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। बाकी आप सभी में से बहुत सारे भाई लोग कमेंट कर रहे थे भाई इतना जल्दी शादी क्यों कर रहे हो, देखो शादी की बातें चल रही थी, ऐसा नहीं कि मैं अभी शादी कर रहा हूँ, मेरे को अभी खुद डर लगता है इन सब चीजों से भाई, शादी वगैरह वगैरह मेरे को सच बता रहा अंदर से पूरा एकदम धक 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 होने लगता, शादी वगैरह ये सब बातें जब सुनते हैं तो मैं कहाँ से शादी कर लूंगा, अभी उतना मतलब मेच्योर हो जाना चाहिए ना इंसान, मतलब समझे ना पूरा दिमाग से कि हाँ अगर शादी कर लेंगे तो ये सिचुएशन आएगी, इसको फेस कर लेंगे, वो सब अंदर से आना चाहिए ना, ये सब तो अभी नाम के लिए भी नहीं आ रहा कि ये सब क्या होता है वगैरह वगैरह, तो अभी इन सब चक्करों में हमको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। और आप सभी को बताया ना कुछ आते हैं जो कि आप सभी को कुछ मजबूरियों की वजह से भी नहीं बता सकते, समय आने पर आप सभी को पूरा एकदम खुलकर बताएंगे। बाकी यही सब बात था दोस्तों, बहुत ज्यादा विवाद हो गया तो थोड़ा घर वाले मतलब नाराज हो गए थे कि अपने मनपसंद की लड़की शादी वगैरह कर रहा है, तो मतलब अभी शादी करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है, ये मत सोचिए कि दोस्तों कि मतलब ये देखो अभी इसी उम्र में शादी कर रहा वगैरह वगैरह, नहीं ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, अभी कोई भी प्लान नहीं है मेरा इन सब चीजों से रिलेटेड, बस दोस्तों यही सब आप सभी से बात करना था। बाकी आप सभी लोग बताना कमेंट बॉक्स में, और जो कुछ भी आपको राय देना है आप अपना कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, बाकी नसीब में लिखा होगा अपने मनपसंद की लड़की से शादी करना तो होगा वो देखा जाएगा, तो ठीक है दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।